कैब वाला बोल रहा है कि सिर्फ दो जन करके ही जा सकते हैं और हम लोग चार जन हैं। तो मैं तो बीच में बैठा देती हूँ। दुनिया का इससे प्रॉब्लम नहीं, नहीं कुछ कुछ स्पेसिफिक लोगों को प्रॉब्लम है, जिन लोगों में सबको इससे प्रॉब्लम है। मंदिर मैं खूब घूमकर बना है। हाँ, बहुत घूमना पड़ रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर का साइड टूर करने, और हम लोगों ने कैब ऑलरेडी बुक कर लिया था, बट कैब वाला बोल रहा है कि सिर्फ दो जन करके ही जा सकते हैं और हम लोग चार जन हैं। तो नीचे जाके फिर से वापस ऊपर आ गए। अभी तो आगे देखते क्या होता है, क्या नहीं होता है। दीदी क्योंकि ठीक से रेडी नहीं हुई थी और सबको जल्दी करो करके रेडी करा दी। ओ अच्छा, ये तो मैं बताना ही भूल गई हूँ। सुबह सुबह उठाया जाता है, बोलता है कि आज ही वो दिन है जिस दिन हम लोग को साइट सीइंग करने के लिए जाना है। क्योंकि दीदी को याद नहीं था, इसलिए दीदी को लग रहा था कि आराम से हम लोग कल जाने वाले हैं, बट वो आज का दिन था। और उसके बाद फिर ये ड्राइवर वाला इशू हो गया कि उसने बोला कि सिर्फ दो जन करके ही जा सकते हैं। तो दीदी अभी घर में वापस आई है और वो रेडी हो रही है। देखते हैं आज को क्या होता है। फाइनली वही कैब वाला मान गया है और हम लोग जा रहे हैं। अब सबको हाय कर दो। सेम कैब में जा रहे हैं हम लोग। पता नहीं कहाँ है कैब। चलो तो यही है, ये था कैब और ये रहे हम। हाय और बाय। ये हम लोग निकल गए। तो पहले हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर पैलेस। एज यूजुअल हमेशा मैं तो बीच में बैठा देती हूँ। तो क्या हो गया ना, किस तरह है? तो मेरे को तो रिकॉर्ड करना है ना। यूट्यूब कैमरा इधर इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमेशा हम बैठते हैं बीच में, हम ही फंसते हैं। और पता नहीं क्यों मेरे को सब इस तरह से मेरे बारे में रूमर्स फैलाते रहते हैं। क्या प्रॉब्लम है लोगों को मेरे से पता नहीं है। पूरी दुनिया को इससे प्रॉब्लम है। नहीं नहीं कुछ कुछ स्पेसिफिक लोगों को प्रॉब्लम है, जिन लोगों को जानती है सबको इससे प्रॉब्लम है। कुछ कुछ स्पेसिफिक लोगों से प्रॉब्लम है, जैसे लोगों को प्रॉब्लम है मेरे से, जैसे कि कुछ कुछ स्पेसिफिक नहीं ही सब लोगों को, जिन लोगों को भी जानती है उनको तो इसका रियलिटी पता है। दीदी तू मेरा यूट्यूब करना चाह रही है। लड़की अच्छी है। हाँ, इतना सारा कमी है उसके अंदर। हाँ, पापा बोलते लड़की अच्छी है। सब बता दो क्या क्या प्रॉब्लम है मेरे में, और उसके बाद बोला हाँ लड़की अच्छी है। जब एंड हो जाएगा उसके बाद हम इसलिए बताएंगे, अभी भी हम सबका मूड स्पॉइल नहीं करना चाहते। यह है इस्कॉन टेम्पल। बाहर से तो इतना बड़ा नहीं लग रहा है, चलिए अंदर चल के देखते हैं। सब कुछ यहाँ पे बहुत ही ऑर्गेनाइज लग रहा है। जूते चप्पल रखने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस है, या तो आप 5 रुपीज ईच पैर का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 5 रुपीज़ करके आपको देना पड़ेगा, और या तो फिर आप फ्री में भी आप अपने चप्पल रख सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करना चाहते हैं। मंदिर ये मंदिर खूब धूमधार बना है। हाँ, बहुत घूमना पड़ रहा है। यहाँ पे चप्पल रखने के लिए टोकन रखना पड़ता है,
जो हमें संभाल के रखना पड़ता है ताकि हम लोग बाद में चप्पल वापस ले पाए। अच्छा भाई यहाँ पे पानी है हाथ धोने के लिए, हम लोग सभी ने यहीं पे हाथ धोया है। वो था एंट्री गेट। अब हम लोगों को इस तरफ जाना है। वाओ ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। हो वाओ, वैसे अच्छी बात है कि आज खाली है तो हम लोग को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ अच्छा अच्छा ना, बहुत सुंदर टेंपल है ये, इस्कॉन टेंपल। और अच्छे से ये लोग मेंटेन भी करके रखा है। वाओ ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल टेंपल है और मुझे तो लग रहा है कि मैं बाहुबली के सेट पे आ गई हूँ। हमारे दर्शन हो गए हैं और यहाँ पे हम लोग नीचे आए हैं और यहाँ पे ये लोग पूजा के और भी सामान बेच रहे हैं। वहाँ पे फोटोज अलाउड नहीं थे इसलिए फोटोज क्लिक नहीं कर पाए या फिर वीडियो भी नहीं कर पाए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है और अंदर आके मुझे बहुत ही पीसफुल फील हुआ। यहाँ पे फूड काउंटर है। हमने फूड काउंटर से ऑलरेडी कुछ कुछ ऑर्डर कर दिया था। पास में ही एक रेस्टोरेंट भी है, आप चाहे तो वहाँ पर से भी आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ से भी खा सकते हैं और नीचे भी प्रसाद मिलता है। तुम लोग का हाथ जला, हाथ जला, मेरा दो पत्ता लाया हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है। अगर आप कभी भी बैंगलोर आए तो ज़रूर इस्कॉन टेम्पल देखने के लिए आए। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।